नमस्कार। आज 11 जनवरी बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन। यूं तो हमारे भारत में कई प्रधानमंत्री हुए हैं। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में और मोहब्बत में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कुछ अच्छे हो जाते हैं तो कुछ बुरे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। साथियों, हमारे भारत के इतिहास को जो पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी का एक बड़े राजनीतिज्ञ में नाम आता है। महात्मा गांधी जी के साथ उनके दाएं और बाएं कई ऐसे महान नेता थे जो सलाह में, बुद्धि में, उनकी विवेचना में, कई प्रकार से उनके तर्क में उनको हमेशा सहयोग किया करते थे। और उन्हीं में से एक व्यक्ति जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। कभी श्रीवास्तव के नाम से जाने गए, कभी शास्त्री जी के नाम से जाने गए। आप सबको बता दूं, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जिसे मुगल सराय कहते हैं, मुगल सराय उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास, यही 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। जयंती तो दोनों की एक ही दिन है, लेकिन महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, लेकिन इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 है। आप सबको बताऊं, ऐसे बड़े गजब के तथ्य है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में संकट के समय, युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय खुद की तनख्वाह तक छोड़ देते हैं संकट पड़ने पर। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो भारत में अन्न की कमी आने पर एक व्रत करता है और पूरे भारतीयों को व्रत करने के लिए प्रेरित करता है। बोले एक सप्ताह में एक व्रत रखोगे तो कम से कम एक दिन का, महीने में 4 दिन का भोजन आपका और आगे बढ़ता जाएगा। सैनिकों को और किसानों को आपस में बांधकर और सैनिक और किसान को उनको आधारभूत बताकर एक मंच पर एक जजम से हमारे देश का विकसित रूप दिखाने वाले प्रधानमंत्री, जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री। एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा। साथियों, शारदा प्रसाद इनके पिताजी का नाम था, जो एक शिक्षक थे। और चाणक्य ने कहा है, शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। और शिक्षक का जब पुत्र है तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना ये तो संभव ही था। इनकी माता राम दुलारी। लेकिन साथियों, कहते हैं कि प्रकृति ने इनके साथ में खतरनाक एक वार किया। इनके जन्म के 1.5 वर्ष बाद इनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। और साथियों, 1904 से लेकर इनका दौर स्टार्ट हुआ, मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्हें श्रीवास्तव के नाम से जाना गया, इनका उपनाम पड़ा इनकी शिक्षा के आधार पर। स्नातक चल रही थी, उसी बीच इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और ये महात्मा गांधी के साथ हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर और ये आंदोलनकारी नीतियों में कूद पड़ते हैं। 1921 का महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी की दाढ़ी यात्रा, 1942 का भारत छोड़ो जैसे कई विशाल आंदोलनों में इन्होंने बहुत ही बेखूबी से भाग लिया और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और आंदोलन के अंदर अपना कदम से कदम बढ़ाकर चले और कंधा से कंधा मिलाकर युवाओं को पूर्ण रूप से साथ दिया। जैसे ही हमारे देश की आजादी होती है, देश आजाद होने के बाद ये हमारे भारत के पुलिस और परिवहन मंत्री बने। एक बड़ी गजब की बात है, अंग्रेजों ने हमें सिखाया था कि जब जनता कंट्रोल में नहीं आती है तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करो। और ऐसे लाठी चार्ज में हमारे कई भारत के वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय जैसों ने प्राण गंवाए हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट गजब का ये किया और राय दी और कहा कि जब भीड़ को तितर बितर करना हो, अपनी ही जनता, और वही जनता हमें चुनकर लाई है, उस पर लाठियां नहीं बरसाई जा सकती। भीड़ को तितर बितर करना है तो पानी के जेट बरसाओ, पानी बरसाओ उनके ऊपर। इस प्रकार की योजना लाने वाले भारत में पहली बार यदि कोई व्यक्ति है तो वो लाल बहादुर शास्त्री है। उस टाइम ये प्रधानमंत्री नहीं थे। 1951 संविधान जारी हो गया 50 के अंदर। 1951 के अंदर ये हमारे भारत के अंदर रेल मंत्री बनते हैं। साथियों,
देखना बड़ा गंभीर विषय पर बात कर रहा हूं मैं। 1951 में ये भारत के रेल मंत्री बनते हैं और 1956 में तमिलनाडु के अंदर एक रेल की घटना होती है और उस रेल घटना में 150 यात्रियों की जान चली जाती है। और उस संकट के समय में इनको लगा कि इस पद को ये बहुत अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं और इन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हमारे भारत के उद्योग, वाणिज्य, संचार जैसे कई बड़े विभाग में इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी और कई तरीकों से इन्होंने बहुत ही अच्छे स्तर पर कार्य किया। 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ तो उस टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। साथियों, ईमानदारी उसकी तो आप पूछो ही मत। सरकार की तरफ से जब ये मंत्री पद पर थे तो इनके पास सरकारी गाड़ी भी थी। सेवरेले की इम्पाला गाड़ी उस समय सरकारी कर्मचारियों को, इनको मंत्रियों को मिलती थी। एक बार इनका पुत्र सरकारी ड्राइवर को लेकर गाड़ी लेकर चला जाता है, कुछ मील गया था, 16-1 मील, और इनको पता चला कि इनका बेटा सरकारी गाड़ी यूज कर रहा है। तो साथियों, ये बात पता चलने पर जितना गाड़ी का खर्च आया उतने पैसे सरकारी खाते में इन्होंने डलवाए थे। इतना ईमानदार था, बोला ये गाड़ी जनता की सेवा के लिए मिली है, निजी कार्यों के लिए नहीं मिली। इतने ईमानदार प्रधानमंत्री यदि यशस्वी कोई थे तो वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। साथियों, इन्होंने एक कार ली। कहते हैं कि कार जब ली तो इनके पास 5,000 की राशि कम पड़ रही थी। उस टाइम 12-13 हजार रुपए में आ जाया करती थी गाड़ियां उस जमाने में। तो PNB बैंक से इन्होंने 5,000 रुपए लोन लिया था। आप देखिए कैसी विडंबना है इतिहास की, देखिए कैसे कैसे हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके पास पहनने के लिए केवल 2 ड्रेसेस हुआ करती थी। संकट के समय इन्होंने कह दिया कि हमारे भारत में अनाज नहीं है, खत्म हो गया है, मेरी तनख्वाह भारत के हित में लगा दो। 1 साल की पूरी तनख्वाह भारत के हित में देने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है। जब भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा था तो अन्न का संकट पड़ने लग गया, कृषि का उत्पादन प्रॉपर नहीं हुआ। उन्होंने एक राय दी कि बच्चों को छोड़कर महिला और पुरुष जो मैच्योर है और मैं भी, हम सप्ताह में सोमवार को भगवान शिव या सोमवार का व्रत करेंगे और पूरे भारत में राष्ट्रीय उपवास करवा दिया जिसे शास्त्री व्रत के नाम से जाना जाता है। शास्त्री व्रत सोमवार को किया जाता था ताकि अनाज की किल्लत को दूर किया जा सके। साथियों, अब एक बड़ा मैं गंभीर बात बोलने जा रहा हूं। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान और भारत युद्ध के बीच का समझौता क्लियर होता है और उसके अगले 11 घंटे बाद, 10 जनवरी को समझौता होता है, अगले 11 घंटे बाद और 11 ही जनवरी को रहस्यमय तरीके से इनकी डेथ हो जाती है। और इस प्रकार से 11 जनवरी को आज हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के रूप में जानते हैं। सैल्यूट है ऐसे महान, विचारणीय, स्मरणीय प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे देश को इतना अच्छे एक मुकाम पर लेकर आए। 1964 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला था और 66 में स्वर्ग सिधार गए। मरणोपरांत इन्हें सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार दिया गया और ये हमारे भारत के प्रथम वो व्यक्ति थे मृत्यु के बाद जिन्हें सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार दिया गया। ये तो वो बातें थी जो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री बहादुर शास्त्री जैसे हुए हैं। और यदि आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो अब भी आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़े सिद्धगार है। मौखिक तो कहानी आपने जान ली लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, इनके सामाजिक, राजनीतिक और
प्रॉपर जीवन के बारे में मैंने आपको बताया, और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम अच्छे से तथ्य जानेंगे जो हमारे लिए बड़े ही काम के तथ्य हैं। सबसे पहली बात आप देख रहे हैं, हम जिन प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी, ऐसे व्यक्तियों के आगे जी लगाने का भी स्वतः ही मन करता है। आप देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, साथियों इन्हें 1917 के अंदर एक उपनाम मिला था और वो उपनाम है श्रीवास्तव। इन्हें जो उपनाम मिला वो है श्रीवास्तव, और कुछ ही समय बाद स्नातक के समय इन्हें एक उपाधि मिली थी और वो उपाधि है शास्त्री की उपाधि। फिर अगला पॉइंट आपके लिए बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है, 2 अक्टूबर 1904 के अंदर इनका जन्म होता है। और इनका जन्म कहां पर हुआ, इनका जन्म मुगल सराय नाम की एक जगह साथियों। ये मुगल सराय वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है। लेकिन थोड़े समय बाद इनके साथ घटना हुई। इनका पिता साथियों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको माता और पिता के बारे में बताया था। आपको बहुत ही कई बार आपको चंबा होता है, कुछ नाम इस प्रकार से होते हैं जो आपको फीमेल नेम नजर आते हैं लेकिन वो प्रसाद या कुछ आगे लगता है तो कन्वर्ट हो जाता है। साथियों इनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद इनके पिताजी का नाम था, और इनकी माता का नाम राम दुलारी इनके माता का नाम था। और इनके पिताजी की मृत्यु जो थी, 1.5 वर्ष की आयु में जब ये थे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी इनके शिक्षक थे, तो ये 1.5 वर्ष की आयु में यानी कि ये 1906 में हमेशा हमेशा के लिए मिर्जापुर चले गए। 1906 में मिर्जापुर चले गए। मिर्जापुर क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पर इनका ननिहाल था, अपने नाना के पास ये पढ़े लिखे और नाना जी के पास में ये रहने लग गए थे। साथियों आपको बता दूं, बड़ा ही खतरनाक कार्य। आगे बढ़ते हैं, हम हमारे पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको समझाता हूं लाल बहादुर जी के बारे में। साथियों 1920 में ये हमारे भारत के अंदर इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में पूरा योगदान दिया। ये राष्ट्रीय आंदोलन में आ गए, राष्ट्रीय आंदोलन में इनवे इन्वॉल्व हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन में आपको बता दूं 1920-21 का असहयोग आंदोलन आप देख रहे हैं। असहयोग आंदोलन, ये लिखने की बात भी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, असहयोग आंदोलन है। 1930 की आप दांडी यात्रा देखेंगे, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के हर एक इंपॉर्टेंट मोमेंट के अंदर ये हमेशा उनके साथ रहा करते थे, गांधी जी को पूर्ण रूप से सहयोग किया है। और आज़ादी के बाद इन्होंने नेहरू जी को, जब जब नेहरू जी विदेश नीति पर जाते थे तो पीछे से पूर्ण रूप से ये नेहरू जी के कार्यभार को अच्छे से संभालने की पूरी पूरी ये कोशिश करते थे, तो इस टाइम ये पूरा संभालते थे। साथियों मैं आप सबको बता दूं, 1920 में राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लेना स्टार्ट कर दिया था, और 1928 के अंदर इनका विवाह हो गया था, लक्ष्मी शास्त्री से इनका विवाह हो जाता है। अब देख रहे हो साथियों इनका विवाह हो जाता है, बड़ी तकड़ी बात आप यहां पर देख रहे हो। 1947 के अंदर, 1947 में ये पुलिस, 1947 में पुलिस और परिवहन मंत्री बने थे, परिवहन मंत्री बने थे। आप देखेंगे 1951 में ये हमारे भारत के रेल मंत्री बने थे, 1951 में भारत के रेल मंत्री बने थे। 1956 में रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, रेल मंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा हमारे भारत को इन्होंने दे दिया था। 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध इन्हीं के समय हुआ, भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था वो युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ था। याद रखना है साथियों, ताशकंद समझौता भी इन्होंने करवाया था, भारत पाकिस्तान के मध्य जो समझौता हुआ उसको ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं, और यह समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है और 1955 में होता है। इसकी डेट पूछेगा 10 जनवरी 1966 को यह समझौता होता है। इसके अगले 11 घंटे के बाद में इन्होंने प्राण
त्याग दिए थे, रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों, सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार लेने वाले हमारे भारत के एकमात्र सॉरी पहले व्यक्ति है, पहले व्यक्ति है, ये एकमात्र नहीं है, वो गलती से बोल दिया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो हमारे भारत में लेने वाले व्यक्ति हैं वो हमारे कौन हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। लाडले बच्चों, आपने देखा, यदि आप मेरे भाई बहन सब कोई भी देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, तो ये हमारे बड़े इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री थे। ऐसे प्रधानमंत्री को सबको पता होना चाहिए ना, कैसे हैं हमारे, कैसे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू के बाद में आने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी। तो शास्त्री जी वाक्य में शास्त्री जी थे जो मात्र दो ड्रेसेस पहना करते थे, कहते इनके पास दो ही ड्रेसेस हुआ करती थी। साथियों, ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप भी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ यूनिक जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप करके बताएंगे। और यदि आप लाल बहादुर शास्त्री जी से प्रेरित हुए हैं, आपको कुछ मोरल मिला है, वो ज़रूर लिखें। अन्यथा इनका एक प्रसिद्ध नारा, जय जवान जय किसान, ये नारा तो आप अवश्य ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।